वेंकटेशु राज्यनी टॉप 10 खबरों। अमदावाद केमिकल फेक्टरी में ब्लास्ट की घटना मामलों मुख्यमंत्री विजय रूपाणी घटना अंगे दुख व्यक्त करू। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी मृतकों ने श्रद्धांजलि आपी। ई लोकार्पण कार्यक्रम दरमियान मुख्यमंत्री मौन राखी मृतकों ने आपी श्रद्धांजलि। गईकाले पिराणा गोडाउन में भीषण ब्लास्ट थता 12 लोगों का मृत्यु निपजा। राज्य में शालाओं शुरू करने अंगे महत्वनी बैठक। बैठक में शालाओं शुरू करनी कि नहीं ते अंगे की चर्चा करवामां आवशे। शिक्षण मंत्री की अध्यक्षता में योजनारी बैठक में आरोग्य विभाग के अधिकारी हाजर। सूत्रों पास से मिलती माहिती मुजब दिवाली बाद कुलपति साथ चर्चा विचारणा बाद शाला खोलवी के नहीं ते अंगे निर्णय लेवामां आवशे। पेटा चूंटनी बाद आज मिली प्रदेश भाजपा होद्देदारों की बैठक। बैठक में प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम अंगे विविध चर्चा कर। पेटा चूंटनी में प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम मौकूफ रखा। संगठन संरचना मंडल स्तर सुधी योजाई प्रशिक्षण वर्ग। पेटा चूंटनी मतदान अंगे बैठक में थे चर्चा। पेटा चूंटनी परिणाम बाद भाजपा प्रदेश की जिला स्तर माळखा में धरखम फेरफार थई शके छे। पेटा चूंटनी परिणाम बाद भाजपा प्रदेश माळखा की जाहेरात थाय तेवी शक्यता। माळखा में केटलाक नवा चेहराओं ने स्थान मळी शके छे ज्यारे केटलाक लोकोने नवा माळखा में पड़ता मुकवामां आवे तेवी शक्यता छे। प्रदेश टीम माटे बीजेपी प्रदेश प्रमुख प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह साथे चर्चा पण करी लीधी। अमदावाद में पिराणा गोडाउन में आग मामले तपास शुरू। भीषण ब्लास्ट की घटना में 12 निर्दोषों मृत्यु। इजाग्रस्त थे 9 लोग हॉस्पिटल में सारवार हेठ। अमदावाद में फेक्टरी ब्लास्ट का पड़घा दिल्ली सुधी पड़ा। गैरकायदेसर चलती केमिकल फेक्टरी थी तंत्र की खुली पोल। घटना बाद जीपीसीबी श्रम विभाग और एएमसी की घोर बेदरकारी सामने आई। हवे आ घटना बाद एनओसी वगर चलता एकमों सामे कार्यवाही करवामां आवशे। अमदावाद पीपळज में केमिकल ब्लास्ट बाद लागेली आग में 12 निर्दोष लोगों जीव गुमाव्या छे। त्यारे मृतकों परिवारजनों बीएस हॉस्पिटल बहार धरना कर्या। ज्यां सुधी न्याय न मळे त्यां सुधी मृतदेह न स्वीकारवानी परिवारजनों की मांग। ब्लास्ट माटे जवाबदार सामे कड़क कार्यवाही करी न्याय आपवानी परिवारजनों की मांग। जो कि परिवारजनों विरोध करता बीएस हॉस्पिटल बहार पोलीस काफलो खड़की देवामां आव्यो। आज अमदावाद राजपथ क्लब 10 डिरेक्टरों की चूंटनी बाबते एजीएम मळशे और चूंटनी परिणाम जाहिर थशे। अगाउ 2 और 4 नवेम्बरे चूंटनी योजाई थी जमा ई वोटिंग करवामां आव्युं हतुं। आज मळनारी एजीएम कोरोना महामारी ने ध्यान में राखी वर्च्युअल माध्यम थी ज राखवानो निर्णय करवामां आव्यो। मत्स्य उद्योग मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी ने हाईकोर्टे आपी मोटी राहत। मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी सामेना 2 क्रिमिनल केस हाईकोर्टे रद्द कर्या। 1996 में नोंधायेला बोगस वोटिंग केस और 2014 में नोंधायेला बेनामी रोकड़ना केस की फरियाद और कार्यवाही रद्द करवामां आवी। बन्ने केस रद्द थता मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी ने मिली मोटी राहत। राजकोट बेड़ी मार्केट यार्ड में मगफली की थे हराजी। आतीकाल शुरू थे मगफली की नवी आवक की हराजी। 25 ऑक्टोबर बाद मगफली की नवी आवक पर रोक लगाती। जूनी मगफली की हराजी पूर्ण न थाय त्या सुधी नवी मगफली पर रोक लगाई। सौराष्ट्र की मोटा भागनी मगफली गोंडल और राजकोट मार्केट यार्ड में वेचाई है। अमदावाद एरपोर्ट हवे अदाणी ग्रुप संचालन करशे। जेमां 7 नवेम्बर थी 50 वर्ष माटे अदाणी अमदावाद इंटरनेशनल एरपोर्ट लिमिटेड संचालन करशे। जमा अमदावाद एरपोर्ट रनवे नवीनीकरण सहित प्रवासियों माटे टर्मिनल नी बहार सुविधा में वधारो करवामां आवशे। साथ ज पिकअप एंड ड्रॉप नी सुविधाओं में पण वधारो करवामां आवशे। 3 वर्ष बाद अदाणी ग्रुप कर्मचारी स्वतंत्र रीते अमदावाद एरपोर्ट संचालन करशे।